सुचित्रा के पति संदीप का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, आए दिन घाटा ही हो रहा था। इस बात को लेकर सुचित्रा और उसकी सास मालती भी परेशान रहते थे। एक दिन, क्या बात है संदीप बेटा, तू आज बड़ी देर से आया है। क्या करूं माँ, सारा कपड़ा वापस आ गया, कर्जे वाले रोजाना फैक्ट्री में आकर पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास लाखों का कर्जा चुकाने के पैसे नहीं है, इसलिए मुझे फैक्ट्री को बेचना पड़ेगा, तभी सारा कर्जा चुका पाऊंगा। संदीप कर्जे में डूब जाता है और कर्जा चुकाने के लिए फैक्ट्री बेच देता है। संदीप के पास अब ना तो पैसा था और ना ही कोई काम, वो सारा दिन घर पर खाली रहकर परेशान हो गया था, इसलिए उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन, ये दाल चावल बनाए थे, आपको ये अरहर की दाल पसंद है ना, ये लीजिए गरम गरम खा लीजिए। ये दाल बनाई है, ये दाल है या उबला हुआ पानी जो आगे लाकर रख दिया है, ले जा इसे यहाँ से। पर नमक मिर्च तो बराबर डाला है मैंने। क्या बात है संदीप बेटा, दाल तो मैंने भी खाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। पता नहीं बेरोजगारी की वजह से ये लड़का इतना चिड़चिड़ा होता जा रहा है। क्या करूं माँ जी, मैंने सोचा इनकी पसंद की दाल है बना देती हूँ, पर माँ मेरी टीचर ने कल स्कूल की फीस मंगवाई है और बोला है अगर कल फीस नहीं ले गई तो वो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगी, वापस भेज देंगी। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं कल हाफ डे में फीस जमा कर जाऊंगी। सुचित्रा सोनी को अगले दिन फीस जमा करने का वादा तो कर देती है, पर वो सोच में पड़ जाती है। मैंने सोनी को कह तो दिया कि कल मैं उसकी फीस जमा कर दूंगी, पर 3 महीने की फीस के इकट्ठे पैसे कल तक कहां से लाऊंगी। सुचित्रा बहू, ये अंगूठी तुम्हारी और संदीप की सगाई की आखिरी निशानी है, तुम्हारा सारा जेवर बिक गया, बस यही रह गई थी, पर अब इसे भी बेचना पड़ रहा है। माँ जी क्या करूं, अगर सोनी की स्कूल फीस नहीं दी तो उसका नाम कट जाएगा और ये साल सोनी को उसी स्कूल में पढ़ना होगा, नहीं तो उसका साल खराब हो जाएगा। सुचित्रा सुनार को अपनी अंगूठी बेच देती है और सोनी की स्कूल की फीस जमा कर देती है। एक सुबह, मेरे होते हुए तुम्हें हमारी सगाई की अंगूठी बेचनी पड़ी, मैं पति होने के लायक नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो सुचित्रा, मुझे माफ कर दो। अरे इतनी सुबह सुबह संदीप कहाँ चले गए, माँ जी आपने संदीप को देखा कहीं। नहीं बहू, मैं तो अभी अभी स्नान करके आई हूँ, मुझे लगा वो सो रहा होगा, उठकर चाय बोलेगा तो मैं तो उसके लिए चाय चढ़ाने जा रही थी। कहाँ चले गए, अब तो बहुत देर हो गई है, इनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शाम घिर आई थी पर संदीप का कुछ अता पता नहीं था, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। संदीप, ये आपके सिर में चोट कैसे लगी, हे भगवान ये सब। संदीप बेटा ये चोट, ये मेरी गाड़ी के सामने आकर अपनी जान देने वाले थे, पर मैंने अपनी गाड़ी को संभाल लिया, ज्यादा चोट नहीं आई है, मैंने पट्टी करवा दी है, ये हैं इनकी दवाइयाँ, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। आपने आत्महत्या के बारे में सोच भी कैसे लिया, क्या आपको हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते, हम तो आपके ही सहारे जिंदा हैं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपके चले जाने से हमारी दुविधा कम हो जाएगी, नहीं हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, हम आपके सहारे ही तो जिंदगी को जी रहे हैं। संदीप मेरे बच्चे, मुझ माँ का नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के बारे में तो सोच बेटे, तेरे सिवा इन दोनों का दुनिया में और कौन है। पापा आपको चोट कैसे लगी, मैं आपको दवाई लगा दूं, आपका दर्द कम हो जाएगा। मेरी बच्चे, मेरी सोनी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं
मैं तुम सबसे वादा करता हूँ। संदीप की बातों को सुनकर सुचित्रा और मालती की आंखें भी आंसुओं से भर आती हैं। संदीप के सिर पर चोट थी, इसलिए वो घर पर ही आराम कर रहा था। सुचित्रा संदीप की दवाई लेने गई होती है, तभी भैया इस पर्ची में जो भी दवाइयाँ लिखी हैं वो दो दिन की दे दो। सुचित्रा, पहचाना मुझे? मोहिनी तुम, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। माँ के पुराने वाले घर के सामने तुम्हारा घर हुआ करता था। सच में कितने समय बाद मिली हो। हाँ यार, वो तो शादी से पहले के कितने अच्छे दिन हुआ करते थे। तुम और मैं, तुम्हें याद है आम के बगीचे से कितने आम तोड़कर खा जाते थे हम लोग। अब तो शादी को भी कई साल हो गए, सब कुछ बदल गया। चला सामने चाय के स्टॉल पर बैठते हैं, फिर बात करेंगे। पर अरे चल तो, यहाँ से जितने भी खाने पीने के ठेले और स्टॉल हैं, सब मेरे हस्बैंड के हैं। काफी साल हो गए उन्हें इस काम में। नमस्ते मोहिनी मैडम, आपके लिए क्या लाऊं? रमेश भैया वही कड़क अदरक वाली चाय पिला दीजिए। और बता सुचित्रा, तेरे घर में कौन कौन है? सुचित्रा अभी मोहिनी को अपने बारे में बता ही रही थी कि तभी मोहिनी का फोन आ जाता है। हाँ भैया, कहाँ हुआ? इतने दिनों से ऑमलेट का ठेला खाली खड़ा हुआ है, हमें भी तो अपना हिसाब रखना होता है। हॉस्टल और पीजी के बच्चों के फोन आ रहे हैं, सुबह का नाश्ता वो बच्चे ब्रेड ऑमलेट का ही मांग रहे हैं। ऐसे तो हमारे ग्राहक बिगड़ जाएंगे ना भैया। आपको और कितना समय लगेगा गाँव में? क्या, अभी 3 महीने और रुकोगे? ठीक है। क्या हुआ मोहिनी, तुम थोड़ा परेशान दिखाई पड़ रही हो। अरे हमारा ऑमलेट का ठेला कब से बंद है, अगर मैं ये काम पकड़ लूँ तो हमारी परेशानियाँ कुछ कम हो जाएंगी। मोहिनी अगर तुम कहो तो ये ऑमलेट का ठेला मैं लगा सकती हूँ, कुछ दिन देख लो अगर तुम्हें ठीक लगे तो। अगर तुम ये काम कर पाओ तो ठीक है, मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ और तुम्हें एक बार मिलकर सब कुछ समझा भी दूंगी। मोहिनी अपने पति से बात करती है और सुचित्रा से मिलकर सब कुछ उसे समझा देती है। सुचित्रा ऑमलेट के ठेले की बात अपनी सास मालती से करती है। सुचित्रा, मुश्किल की घड़ी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और कहते हैं जब कोई काम मिल बांट कर किया जाए तो वो और आसानी से हो जाता है। कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी, हम दोनों सास बहू मिलकर ऑमलेट के ठेले पर काम करेंगे। मेरी बहू यदि किसी काम को करने की कोशिश कर रही है तो मैं उसकी हिम्मत बनूंगी। आप जैसी सासुमा पाकर मैं धन्य हो गई माँ जी। मोहिनी और उसके पति की सहायता से सुचित्रा को काम मिल जाता है, जिससे सुचित्रा के परिवार को सहारा मिलता है। मालती और सुचित्रा दोनों सास बहू के ठेले की आमदनी देखकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। सुचित्रा, तुम्हारे और माँ जी के हाथों के बनाए ऑमलेट सभी को बहुत पसंद आए हैं और सबने हमें दोबारा से ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। ये तुम्हारी इस महीने की कमाई 10,000 रुपए। मेरे पति ने कहा है कि अब से तुम ही ये ऑमलेट का ठेला लगाओगी, हम तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए काम दे रहे हैं। घर जाकर सुचित्रा सारी बात संदीप को बताती है, ये सब सुनकर वो भी बहुत खुश होता है। सुचित्रा, आज तुम्हारी और माँ की मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सुनो जी, मैंने मोहिनी के पति से बात कर ली है, उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है और आपको तो गाड़ी चलानी आती है, तो मैं सोच रही थी कि आप उनके यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ सुचित्रा, मैं फिर से काम करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें जो भी काम मिले वो हमें पूरी लगन से करना चाहिए, तो हमें उस कार्य में भी सफलता जरूर मिलती है। सुचित्रा और मालती ऑमलेट का ठेला लगाती थी और बहुत मेहनत से काम करती थी। संदीप को भी उन्हें देखकर हिम्मत मिल चुकी थी और वो भी मोहिनी के पति के पास ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। धीरे धीरे सुचित्रा के परिवार में खुशियां फिर से दस्तक देने लगती हैं।